पिछले वर्ष में ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में भी काफी बदलाव देखे गए हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने डिसरप्टिव और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज को उपयोगिता के महत्व को स्पष्ट रूप से साबित किया है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर और स्पेस युद्ध के नए डोमेन के रूप में उभर कर आए हैं। ग्रे जोन वॉरफेयर ने भी यह सिद्ध किया है कि भविष्य के युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट में काइनेटिक के अलावा नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का भी उतना ही महत्व होगा। इन कारणों से युद्ध क्षेत्र अधिक जटिल, संघर्षपूर्ण और घातक हो रहा है। देश के कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का एक महत्वपूर्ण होने के नाते भारतीय सेना का दायित्व है कि हम इन खतरों के लिए सदैव तैयार रहें। आज भारत एक नए युग की चौखट पर खड़ा है। हम सब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते कद, आर्थिक विकास और प्रगति को देख रहे हैं। देशवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और विश्व व समुदाय की अपेक्षाओं को भी हम साक्षी हैं। इस सब के चलते यह अनिवार्य है कि भारतीय सेना राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से अलाइंड और इंटीग्रेटेड रहे। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्र की प्रगति में कोई बाधा ना आए। अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस को और बढ़ावा देने के दिशा में भारतीय सेना ने ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ी पहल की है, जिसका मैं संक्षेप में वर्णन करना चाहूंगा। फोर्स स्ट्रक्चरिंग और ऑप्टिमाइजेशन के प्रयास में हम अपने लड़ाई के दस्तों को इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के रूप में बदलने की योजना बना रहे हैं, जो भविष्य के युद्ध में प्रभावशाली ढंग से योगदान देंगे। पुराने एस्टैब्लिशमेंट्स और यूनिट्स को भंग किया जा रहा है या उचित बदलाव के साथ नया रूप दिया जा रहा है। टीथ टू टेल रेशियो को प्रभावी बनाने के लिए मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन से सेना को राइट साइज किया जाएगा, ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज या मैन पावर का सटीक प्रयोग किया जा सके। हमारा लक्ष्य होगा कि हम एक मैन पावर इंटेंसिव से टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेना की ओर बढ़े। अपने ऑपरेशनल मैंडेट को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने और खुद को एक आधुनिक, आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी और बैटल वर्दी फोर्स में बदलने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।